हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीटीईटी ओडिशा आईटीआई 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग का डीटीईटी ओडिशा आईटीआई 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या सबसे पहले आप ओडिशा आईटीआई का फुल फॉर्म बता दूं, ओडिशा इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप लोगों का फुल फॉर्म है, जो कि एक स्टेट लेवल एग्जाम है डिप्लोमा लेवल का, और कंडक्ट करवाया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ओडिशा कटक के थ्रू। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में आपको रिलीज किया जाएगा। अब गाइस डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो गाइस यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन जुलाई में यहाँ पे रिलीज हो जाता है, सिलेक्शन लिस्ट सितंबर में आप लोगों की रिलीज की जाती है, जिसे ऑफिशियल अथॉरिटी की गाइस यहाँ पे जो डेट्स अनाउंस हो गए, मतलब ऑफिशियल अथॉरिटी ने डेट अनाउंस नहीं किया है, जैसे डेट्स अनाउंस हो गए उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके नोटिफाई कर देंगे। नेक्स्ट मूव टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। तो क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, जैसे आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी अगर फ्रॉम स्टेप वन यानी आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको उस वीडियो में पे करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या सबसे पहले आप भारतीय नागरिक रहना जरूरी है, ओडिशा स्टेट के डोमेसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, 10th पास आउट रहनी चाहिए, आपकी एज मिनिमम 14 ईयर्स रहनी चाहिए, उससे कम एज नहीं चलेगी, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, अपर एज लिमिट कितनी भी रह चलेगा, लेकिन लोअर एटलीस्ट कम से कम 14 ईयर्स जरूरी है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई एग्जामिनेशन 2022 में कंप्लीट करेंगे वो भी यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर क्या इसके बाद आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और फिर आप लोगों को जो है यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। सो गाइस नाउ आई होप आप लोगों को डीटीईटी ओडिशा आईटीआई 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।